नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे वर्किंग विथ सिनेरियोज यूजिंग नेविगेटर। क्लास 10th IT 402 सिलेबस का लर्निंग आउटकम है वर्किंग विथ सिनेरियोज, तो उसके बारे में बात करेंगे। हाउ टू क्रिएट सिनेरियो, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आपको वो आई बटन में मिल जाएगा। अभी तक आपने अगर उसे वॉच नहीं किया है तो वहां क्लिक करके देख लीजिए कैसे सिनेरियो क्रिएट करते हैं, वो उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। मैं हूं संजय परमार, ट्यूटोरियल AICS IP में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में तुरंत आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज नेविगेटर, नेविगेटर क्या होता है और हम नेविगेटर को क्यों यूज करते हैं, वो सबसे पहले समझना जरूरी है। तो नेविगेटर एक ऐसा कमांड है जो ओपन ऑफिस कैलसी में आपको व्यू ऑप्शन में मिलेगा। यहाँ पे ये जो है ये नेविगेटर, इसका शॉर्टकट की F5 है, F5 प्रेस करने से वो ओपन हो जाएगा। अब जैसे आप ओपन करते हैं तो ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है वो इसलिए है कि आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में अगर नेविगेट करना चाहते हैं, आपके एक्सेल वर्कशीट में आपने बहुत सारी चीजें यूज की है तो उसमें अगर आपको अलग अलग कंटेंट पे जाना है तो इसीलिए हम नेविगेटर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ आपने अगर रेंज देके रखे है तो रेंज पे चले जाएंगे, सीट्स है तो सीट्स अभी ऑलरेडी हमारे पास 3 है तो जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे ऐसे 3 सीट यहाँ पे आ जाएंगे और सीट के कंटेंट है वो वहां पे ऐसे दिख जाएंगे। तो ये है नेविगेटर, और नेविगेटर का यूज होता है हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट पे मूव करने के लिए, जंप करने के लिए। नेविगेट का मतलब ये होता है टू मूव वन प्लेस टू अनदर, तो हम एक जगह से दूसरे जगह पे अगर मूव करना चाहते हैं, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं तो नेविगेटर का यूज करेंगे। तो ये है नेविगेटर और यहां से आप उसे ओपन कर सकते हैं। तो जो पहले दो टॉपिक थे, ओपनिंग नेविगेटर और व्हाट इज नेविगेटर, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि व्यूइंग सिनेरियोज थ्रू नेविगेटर, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि सिनेरियो क्रिएट करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे 3 सिनेरियोज क्रिएट करके रखे हैं, आपको ऑलरेडी वो एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं उस वीडियो में कि कैसे सिनेरियो क्रिएट किया जाता है। आप जाकर के वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, फिर ये वीडियो आप देखिए तो इसे हम अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए वीडियो पूरा देखिएगा ताकि ये जो कुछ चीजें थी वो उसमें कवर नहीं की थी। जैसे हम सिनेरियो क्रिएट करते हैं तो टूल्स में से सिनेरियो में हम ये ऑप्शन जो दिया है वो सिनेरियो क्रिएट करने के लिए ही दिया है, आप इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप इसको एडिट नहीं कर सकते। आपको अगर सिनेरियो डिलीट करना है, जैसे आपका काम हो गया, कंप्लीट हो चुका है इस सिनेरियो का, अब आपको नए सिनेरियो जनरेट करना है, या तो पुराने डिलीट करना है या उसी में कुछ एडिट करना है, तो इस डायलॉग बॉक्स में वो ऑप्शन नहीं है। तो वो कैसे करेंगे इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कैसे हम व्यूइंग सिनेरियोज थ्रू नेविगेटर, नेविगेटर के थ्रू सिनेरियो कैसे देखेंगे। पहले तो यहाँ एक ऑप्शन आपको देके रखा है, तो आप सिंपली उस सिनेरियो पे क्लिक करिए, तुरंत ही वो सिनेरियो की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। यहाँ देखिए जैसे मैंने सीट 1 का सिनेरियो दिया है 20, 15, 300, सीट 2 का सिनेरियो जो है वो ऐसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 20, 30, 600, मतलब ये फॉर्मूला है एक जो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैंने इसमें कर दिया है, और तीसरा जो है वो है ये सिनेरियो है। तो इस सिनेरियो में आपको सेम वैल्यू मिल रही है, तो मैंने ये जानबूझ के सेम रखी है क्योंकि हम इसको एडिट करेंगे वहां जा करके मैनेजर में नेविगेटर के थ्रू। अब नेविगेटर के थ्रू अगर आपको सिनेरियो व्यू करने हैं या देखने हैं तो कैसे देखेंगे, आप व्यू में चले जाइए, नेविगेटर ओपन करिए और यहाँ पे आपको ये बटन मिलेगा, ये वाला जो बटन है सिनेरियोज, वो सिर्फ आपको सिनेरियोज दिखाएगा। ये देखिए ये जो कॉलम B और 7 आपको दिख रहा है वो है आपका करंट कर्सर पोजीशन, कि आपका पोजीशन अभी कहाँ है, आपका कर्सर अभी किस सेल में है, तो वो यहाँ पे दिखाता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे सीट 1 पे आपको अगर जाना है तो सीट 1 सिलेक्ट करिए, डबल क्लिक करिए, यहाँ पे सीट 1 आ जाएगा, सॉरी सिनेरियो 1 आ जाएगा। सिनेरियो 2 पे जाना है तो डबल क्लिक करिए, सिनेरियो 3 पे जाना है डबल क्लिक करिए, तो ऑटोमेटिकली ये भी मूव करेगा। और जो कमेंट आपने सिनेरियो जनरेट करते टाइम दिया होगा वो यहाँ पे दिखेगा, अगर कुछ टाइप किया आपने तो वो कमेंट आएगा। यहाँ पे मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ मैंने
जो डिफॉल्ट था वही रखा है। तो यहाँ डिफॉल्ट यहाँ जो रखा है वही ऑप्शन दिख रहा है कि डिफॉल्ट ये है और कमेंट आपको यहाँ से पढ़ने को मिलेगा। फिर ये जो है डॉक्यूमेंट के किस डॉक्यूमेंट में है आप, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगी। तो इसी प्रकार से नेविगेटर का यूज करेंगे। तो अगर आपको सिनेरियो व्यू करना है तो क्लिक करिए और अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन सिनेरियोज की चेक करनी है कर सकते हैं। उसके बाद वाला जो ऑप्शन है एडिट सिनेरियो, एडिट सिनेरियो ऑप्शन वहां पे टूल सिनेरियो में नहीं था। जैसे मैं इसको अगर एडिट करना चाहता हूं तो मैं इसी सिनेरियो के नाम से उसे एडिट नहीं कर सकता। ये देखिए, जैसे मैं सिलेक्ट भी करूंगा अगर तो भी एडिट नहीं कर सकता। जैसे सिनेरियो 3 एडिट करना है पर ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए हम कैसे एडिट करेंगे, सबसे पहले आपको जाना है व्यू में नेविगेटर और उसी सिनेरियो पे आप ओपन कर लीजिए। अब जैसे ओपन करेंगे आपको ये हाईलाइट होके आ जाएगा। राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टी में जा सकते हैं और वहीं से एडिट होगा। तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज ओपन कर लीजिए। इसमें देखिए अब वही नाम आ रहा है sheet1_scenario_3। अब आपको जो वैल्यू वगैरह चेंज करना है यहाँ आके आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू या कुछ भी चेंज अगर करना है तो सबसे पहले यहाँ चेंज कर देते हैं वैल्यू। जैसे रेट यहाँ पे मुझे सीट सिनेरियो में रखना है 4, तो ये सीट सिनेरियो अभी है 3। अभी इसी में नेविगेटर यहाँ पे जाएंगे और प्रॉपर्टीज। अब देखिए यहाँ पे एडिट हो जाएगा सीट सिनेरियो 3। कलर वगैरह अभी ग्रीन है, मुझे चेंज करना है पिंक, तो ये मैं दे देता हूँ ओके। तो यहाँ पे आप वही सिनेरियो पे ये वैल्यू चेंज कर पाएंगे। अब आइए देखते हैं sheet 1 scenario 1 sheet 1 scenario 2 sheet 1 scenario 3। देखिए ये वैल्यू चेंज हो गई। तो ये एडिट सिनेरियो वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एडिट करिए और आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अगर कोई डेटा आपके पास ऐसा है तो। अब उसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो है डिलीट सिनेरियो। डिलीट सिनेरियो ऑप्शन यूज होता है सिनेरियो आपने जो क्रिएट किया है उसे डिलीट करने के लिए। जैसे कि सिनेरियो 1 का काम अभी नहीं है, मुझे डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट करेंगे, तो उसी के लिए ही हम नेविगेटर यूज करते हैं। तो नेविगेटर में गए, sheet1_scenario_1 सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके डिलीट, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे डिलीट वाला ऑप्शन मिलेगा। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिलीट द सिलेक्टेड सिनेरियो, यस। तो जैसे क्लिक करेंगे वो सिनेरियो डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सिनेरियो 1 जैसे था तो ये एम्प्टी आ गया, मतलब सिनेरियो 1 यहाँ पे डिलीट हो चुका है। एम्प्टी का मतलब वही है कि वो सिनेरियो डिलीट हो चुका है। तो आप अब यहाँ पे सिनेरियो 2 और 3 देख पाएंगे। तो इसी प्रकार से आप डिलीट कर सकते हैं। अब लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे है ट्रेस डिपेंडेंस। ट्रेस डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि कभी कभी हम कुछ सेल में फॉर्मूला यूज करते हैं, उस फॉर्मूला को अगर हमें देखना है कि वो किस सेल पे डिपेंडेंट है तो उसी के लिए हम यूज करते हैं टेस्ट डिपेंडेंस। तो ये वाला ऑप्शन भी आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे, वो ऑप्शन रहता है टूल्स में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस सेल में फॉर्मूला है वहां पे आप कर्सर रख दीजिए। जैसे यहाँ पे अभी फॉर्मूला लगाया है B2 × B3, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया है उसी पे अगर हमें देखना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, या तो मैं कुछ और यहाँ यूज कर लेता हूँ 300 और यहाँ पे एक वैल्यू डाली है 400। कभी कभी हमें एक्सेल में ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ता है वर्कशीट में कि वैल्यू हमारी यहाँ है और फॉर्मूला कहीं और, जैसे ये प्लस ये दोनों जो है वो यहाँ है। अब मुझे देखना है कि ये 700 आया कहाँ से, तो उसी के लिए हम यूज करेंगे ट्रेस डिपेंडेंस। तो सबसे पहले आप क्लिक कर लीजिए टूल्स मेनू पे, कर्सर रख देना है वहां जहां फॉर्मूला आपने यूज किया है। आप ये देख पाएंगे ये फॉर्मूला कहाँ से कहाँ आया है, वो आप यहाँ एरो करके मेंशन कर सकते हैं। एरोज आ जाएंगे यहाँ पे और बाकी तो यहाँ इनपुट लाइन में आपको पता चल ही जाएगा कि कौन कौन से सेल है, पर आपको ऐसे मेंशन कर देना है तो टूल्स में जाइए और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन ट्रेस डिपेंडेंस। डिटेक्टिव ऑप्शन यहाँ दिया है, उसमें ट्रेस प्रेसिडेंस पहले ये देखेंगे हम। टेस्ट डिपेंडेंट जो ऑप्शन है टेस्ट प्रेसिडेंस, दो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हैं। तो पहला ये ऑप्शन जो है ये आपको एरो करके ऐसे दिखाएगा कि कहाँ से ये वैल्यू आई है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो 700 है वो यहाँ और यहाँ से, इन दोनों का कुछ ना कुछ फॉर्मूला यूज करके हमने दिया है। सिमिलरली यहाँ से भी करेंगे टेस्ट प्रेसिडेंस फर्स्ट, तो यहाँ से ये और ये इसी प्रकार से आया है।
डिपेंडेंट का मतलब होता है कि कौन से वैल्यू पे डिपेंडेंट है, तो इसको रिमूव कर देता है पहले एरोस को, रिमूव ऑल ट्रेसेस। अब देखिए कि यहां से मुझे चेक करना है कि ये वैल्यू कहां से डिपेंड है, तो ये फॉर्मूला पे आएगा, टूल्स डिटेक्टिव टेस्ट डिपेंडेंट्स। ओके, लगता है कि सभी सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, टेस्ट डिपेंडेंट्स। ओके, ये देखिए, तो यहां पे दिखा दिया कि ये जो वैल्यू है वो इसके ऊपर डिपेंड है। तो इसी प्रकार से आप किसी भी वैल्यू का टेस्ट डिपेंडेंस दे सकते हैं, सिर्फ क्लिक करिए, ऐसे एरो आपको दिखाई देगा, टूल्स डिपेंडेंस। तो डिपेंडेंस जो सेपरेट वैल्यू है उसके ऊपर यूज होता है, और प्रेसिडेंट जो होता है वो फॉर्मूला के ऊपर, आप जैसे फॉर्मूला में डालेंगे तो वहां से आपको दिख जाएगा। तो आशा रखता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देखा है मेरा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी कोर्स के रिलेटेड वीडियोज अपलोड करता रहता हूं, तो आपको सारे कंटेंट यहां पे प्रोवाइड करूंगा। और आपकी अगर कोई स्पेसिफिक डिमांड है या आप कुछ स्पेशल चाहते हैं मेरे से सीखने के लिए, तो आप कमेंट करिए, उसी कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा, और इसी के ऊपर बहुत ही जल्द वीडियो बना करके आपको अपलोड करके दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।